हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं वैशाली तोमर। अगर कोई भी मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। सो गाइज, आज आपने थंबनेल और टाइटल से तो देख ही लिया होगा कि वीडियो में क्या होने वाला है। आज हम करने वाले हैं कुछ क्यूट हेयर स्टाइल्स जो कि इंस्पायर्ड बाय है हीना खान से। मुझे हीना खान पर्सनली बहुत पसंद है। जब से उनका वो सीरियल आता था ये रिश्ता क्या कहलाता है, जब वो थी उसमें मैं तब भी उनको देखती थी, और अब तो वो बहुत बहुत अच्छे हो गए। उनकी स्टाइलिंग मुझे इतनी पसंद है, तब जो भी वो स्टाइल करती है, जो भी वो वियर करती है, बहुत अच्छे से उसको कैरी करती है और मुझे बहुत पसंद है वो। सो मैंने सोचा क्यों ना इंस्पायर्ड वीडियो उन्हीं से शुरू करी जाए। और आज उनका यूट्यूब चैनल है जिसपे उनने अभी प्रीवियसली थोड़े टाइम पहले अपनी क्यूट थ्री हेयर स्टाइल्स शेयर करी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना वो ट्राई की जाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने मरूनू का मेकअप लुक किया था। मतलब वो वीडियो भी अच्छी बनी थी मेरी, काफ़ी अच्छी गई थी। तो आई होप ये वीडियो भी अच्छी जाए। मैं चाहती हूँ सबसे ज़्यादा कि हीना खान जरूर इस वीडियो को देखे। मैं उनको टैग करूँगी इंस्टाग्राम वगैरह पे, आई होप वो देखे। चलो स्टार्ट करते हैं पहली हेयर स्टाइल से, जिसमें कि उनने क्या करा है, सिंपल एक पोनी टेल बनाई है बट उसको सिंगल रबर बैंड से पार्टेड किया है दो पोर्शन में, जिससे कि उसकी अच्छी वो थोड़ी ऊँची बनी है और मतलब अच्छे से उसका मतलब बहुत अच्छा लग रहा है उसमें। मैं क्या बोलूँ उसको, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब अच्छे से बालों की वॉल्यूम दिखाई दे रही है कि अच्छे हैवी पोनी टेल बनी हुई है। उसी से हम स्टार्ट करते हैं। तो उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने बालों को पीछे नॉर्मल जैसे अब अपनी पोनी बनाते हैं उस तरीके से करना है। इस तरीके से मैं थोड़ा टर्न हो जाती हूँ जिससे कि आप सबको अच्छे से दिखे। आई होप आप सबको दिख रहा ही होगा अच्छे से। इस तरीके से सिंपल पोनीटेल है, सिंपल पोनीटेल बनानी है हमें। और क्या करना है, मैंने ये रबर बैंड लिया है यहाँ पे, सिंपली उसको इस तरीके से करना है और इसको ऐसे टर्न करके इस पोनीटेल को हाफ पार्ट में डिवाइड कर देना है, हाफ हाफ इस तरीके से। और जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें से हमें ये बचा हुआ रबर बैंड निकालना है। सो इस तरीके से ये बना है, सी। सो ये एक तरीके का है कि जिससे कि आप अपनी पोनीटेल थोड़ी और अच्छी कर सकते हैं और अच्छे से उसको वो कर सकते हैं। मैं पीछे होके दिखा देती हूँ, काफी अच्छे से आया है और अच्छे से ऐसे फैल गई है पोनीटेल, अच्छी क्यूट सी पोनीटेल बनी है, आप देख ही पा रहे हैं। मुझे काफी अच्छा लगा। मैंने थोड़ा सा नीचे रखा है, आप बिल्कुल यार टॉप पे बनाएंगे तो काफी अच्छा लगेगा वो। ये थी उनकी पहला हैक भी कह सकते हैं और एक अच्छा सा हेयर स्टाइल भी कह सकते हैं, जिनको उन्होंने डबल पार्ट में जो एक पोनीटेल सिंगल रबर बैंड से डबल उसमें वो कर दी और उससे थोड़ा ऊंचा लुक भी आ गया। आप यहाँ पे बनाएंगे तो और अच्छी लगेगी। मैंने थोड़ा सा नीचे बना लिया है बट इट्स लुक गुड। तो आप लोग इसे जरूर ट्राई करें। और थोड़ा रबर बैंड जो है थोड़ा टाइट सा हो, जिससे कि जो पोनीटेल अच्छे से टाइट सी रहे। मेरी हल्की सी लूज हो गई है बट इट्स गुड, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। और मुझे खुद को फील हो रहा है कि काफ़ी हैवी पोनीटेल है मेरी और मुझे बाल भी ऐसे नहीं लग रहे कि कम है या फिर कुछ भी, काफ़ी अच्छे से लग रहे हैं। मेरे तो ऑलरेडी बाल इतने हैवी है गाइस, बहुत ज़्यादा। काफ़ी अच्छी पोनीटेल बनी है, आप लोग भी जरूर ट्राई करें इसको। गाइस, आपने पहली हेयर स्टाइल देखी जो कि बहुत सिंपल थी। सिंपल आपको उसको अपनी पोनी को पार्टेड करना है दो सेपरेट उसमें हाफ हाफ में, और उसके बाद जो पोनी है वो थोड़ी हाई भी लगेगी, हाई पोनीटेल भी अच्छे से आएगा और मतलब अच्छी लग रही थी, काफ़ी फ्लेयर भी अच्छा आ रहा था उसमें, काफ़ी ऐसे फैली फैली बनी हुई थी, काफ़ी अच्छे से बनी थी। गाइस, हमारा नेक्स्ट हेयर स्टाइल उससे भी इजी, उन्होंने बहुत इजी हेयर स्टाइल बनाया और बहुत क्यूट लग रहा है, जो कि हम हाफ बालों से बनाएंगे। मैं इस तरफ घूम जाती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिखे। मैं साइड से आती हूँ। मैं साइड की मान से ही करूँगी स्टार्ट। हमें इस तरीके से हाफ बाल लेने हैं। आपको हाफ में कर लेना है, ये मैंने हाफ बालों में पोनी इसमें बना दी है। और उसके बाद हम लोगों को सिंपल रबड़ लेना है, आप चाहे तो कोई सा भी रबड़ बैंड ले सकते हैं। मैंने ये वाले लिए इलास्टिक्स जो आती हैं, और इसको हम इस तरीके से करेंगे।
लूज ही रखेंगे हम, क्योंकि हमें उसके बाद क्या करना है, जो ये पोनी टेल को है हमें ऐसे घुमाना है, और यहाँ से जो ये वाला पार्ट है इसके अंदर से हमें निकालनी है अपनी पोनी टेल इस तरीके से, और देन हमें टाइट कर लेना है, और हमें अच्छे से उसको करने के लिए थोड़ा सा हम सिक्योर कर लेंगे अपने बालों को पिन से, जो नॉर्मल पिन्स आती हैं। और ये हेयर स्टाइल हमारी बिल्कुल रेडी है। हल्के से मेरे बाल निकल गए बट ओके, काफी अच्छी लग रही है सिंपल सी हेयर स्टाइल, और आगे से हम अपने फ्लेक्स निकाल सकते हैं। सी हमें आपको पीछे टर्न होके दिखा देती हूँ, थोड़े मेरे बाल मैस हो रखे होंगे पीछे से, बट कोई बात नहीं। ये देखिए इस तरीके से लुक आए हैं, यहाँ से राउंड राउंड आया है, आपको दिख रहा होगा काफी अच्छा। मैंने काफी पिन से सिक्योर करा है, आप थोड़े अच्छे से टाइम लेके अच्छे से कर सकते हैं इसको, अगर मैं ज्यादा टाइम लूंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से इस तरीके से आया है। सो आई होप आप सबको ये वाला हेयर स्टाइल अच्छा लगा, जो हमारा थर्ड हेयर स्टाइल है, वो भी सिर्फ हमको, हमने एक तो बना ही लिया है, इसके बाद हम नीचे एक और बनाएंगे और हम इसका बन बनाएंगे अच्छा सा, ट्राई करते हैं, देखते हैं कि हम बना पाते हैं या नहीं। गाइस थोड़ा सा मेरे फेस पे पसीना आ जाता है बिकॉज मैं एसी बंद कर दिया, अभी तो मैं जब वीडियो बनाती हूँ ना तो मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता कि आवाज़ आ रही है, बट जब मैं एडिटिंग करने बैठती हूँ तो एसी की भी काफ़ी तेज़ आवाज़ आती है, और आई थॉट कि वो अच्छी नहीं लगती व्यूअर्स को, शायद वो इरिटेट भी कर सकती है, तो जैसे मैंने एसी बंद किया तो हल्का सा पसीना, देख रहे हैं आप कितना स्ट्रगल है। सो लेट्स इग्नोर इट और हम अपनी थर्ड हेयर स्टाइल पे चलते हैं। काफ़ी इजी हैक्स है, काफ़ी क्यूट हैक्स है, फटाफट से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप ये हेयर स्टाइल्स बना सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि हमने यहाँ तक तो बना ही रखी है हेयर स्टाइल इस तरीके से, इस वाले को, फिर हम इसके नीचे एक और रबर बैंड लगाएंगे। सो मैंने आप ये वाला हमने पोर्शन ले ही रखा है सिंपली, अब हम बनाएंगे बन और हम इसमें एक और रबर बैंड लगा देंगे वाला इस तरीके से थोड़ा नीचे की तरफ। सो जैसे हमने ऊपर किया था कि बीच वाले पोर्शन से हमने ये बाल निकाले थे, सिंपली हम इस तरह से होल करके यहाँ पे इस तरीके से, आई होप आपको दिख रहा होगा, यहाँ से करके हम इस वाले पोर्शन के भी बाल निकाल लेंगे। मैं अंदर से हाथ करके निकालती हूँ, इस तरीके से मैंने निकाल लिया है आप देखिए। और अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो पोर्शन था ये वाला, यहाँ से फिर से हम एक बार इसको निकालेंगे बाल को। और उसके बाद हमें पिन से सिक्योर कर लेना है। सो इस तरीके से अगर आपके शॉर्ट बाल हैं तो काफ़ी अच्छे से ये वाला लुक आ जाएगा, वरना मेरा तो इतना अच्छा आया नहीं है, बिल्कुल भी ज़्यादा खास आया नहीं है। सो आप देखिए इस तरीके से आया है, अच्छा नहीं आया काफ़ी, बट अगर आपके शॉर्ट बाल हैं तो आपका बहुत अच्छा बन बनेगा और बहुत क्यूट लगेगा बन। सो ये थी तीन हेयर स्टाइल, आई गेस अगर मेरे छोटे बाल होते तो और भी अच्छे से ही आती, बट जिनके भी छोटे बाल हैं या फिर शॉर्ट हेयर है इतने तक हैं तो वो पक्का इनको ट्राई करें, और काफ़ी क्यूट हैं। सो गाइज ये तीनों हेयर स्टाइल मैंने ट्राई करी थी, बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता इतनी परफेक्शन से आई थी, जिनकी जितनी परफेक्शन से उनकी थी, बट थोड़ी लास्ट वाली में मुझे लगा ज़्यादा घोंस पहुँच हो गई, ज़्यादा उसमें मैंने वो कर दिया, क्योंकि मेरे थोड़े लंबे बाल थे तो वो ऐसे निकालने में ना काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी उसको, बट मुझे ठीक लगा, अगर मेरे छोटे बाल होते तो मेरे को लगता है कि काफ़ी अच्छा क्यूट सा बन बन जाता है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और गाइस जरूर से इन हेयर स्टाइल्स को ट्राई करिए, जिनके छोटे बाल हैं, जिनकी अच्छी खासी लेंथ है, मेरे बाल थोड़े हैवी भी है ना तो थोड़ी दिक्कत आ रही थी उसको काफ़ी वो करने में, बट बन गए जैसे तैसे बने जो भी। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगे, आई होप अगर वो भी वीडियो देखे तो उन्हें भी अच्छी लगे जैसी भी मैंने बनाई। सो आप जरूर इन हेयर स्टाइल्स को ट्राई कर लीजिए, और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, डू सब्सक्राइब माय चैनल गाइस।